किट मामले में बयान देने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने सप्ताह भर का समय मांगा है। इस संबंध में उनके वकील अपूर्व कुरूप ने सिविल लाइन पुलिस को मेल किया है। इसके पहले सिविल लाइन पुलिस ने बयान दर्ज कराने के लिए पात्रा को रविवार शाम 4 बजे व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया था। वहीं टूल किट मामले में सिविल लाइन पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री को नोटिस तामील किया है। पुलिस ने उनसे 24 मई यानी कल दोपहर 12:30 बजे घर पर रहने को कहा है। इस वक्त थाने की टीम उनसे पूछताछ करने उनके घर जाएगी। पुलिस ने ट्विटर अकाउंट किसका है, टूल किट के दस्तावेज कहां से मिले जैसे सवाल भी पहले से लिखकर रमन सिंह को भेजे हैं। 9 तरह के निर्देश भी जारी किए गए हैं जिनमें सबूत से छेड़छाड़ करने पर गिरफ्तार करने की बात भी लिखी है। इसका विरोध भाजपा के नेता कर रहे हैं। अब कल सबकी नजर इस बात पर लगी हुई है कि पुलिस को डॉक्टर रमन सिंह किस प्रकार की जानकारी देते हैं या नहीं। यदि पुलिस उनके घर तक पहुंचती है तो ऐसे में भाजपा नेताओं का क्या रुख होगा। आपको बता दें कि टूल किट मामले में NSUI के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने रायपुर के सिविल लाइन थाने में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ FIR दर्ज कराया था।